जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 9 नवंबर 2024 है, दिन शनिवार का है। संगत जी, शनिवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन आप जो गुरु जी से मांगो वो आपको मिलता भी है। संगत जी, एक बारी मांग के जरूर देखना, पर इस सत्संग के बाद। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये शनिवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग, इतना चमत्कारी सत्संग है शनिवार का, कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शनिवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर, और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये स्पेशल सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे, और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरुजी के शनिवार के चमत्कारी सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये थोड़ा सा भी सत्संग अगर आप मिस कर दोगे ना, आप देखो ये स्पेशल सत्संग है, चमत्कारी सत्संग है, थोड़ा सा भी सत्संग अगर आपने बीच में छोड़ा या फिर स्किप करा, मिस करा, तो संगत जी फिर आपकी ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी, फिर मत बोलना हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली। संगत जी, मैं तभी आपको कह रहा हूँ जरूर सुनना, और नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी चला जाए, और संगत भी इस सत्संग को सुने, और गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिले जैसे हमें मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम गुरु जी की एक संगत संदीप अरोड़ा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ।
मैं संदीप अरोड़ा मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी का आना हुआ 2024 यानी कि यही साल। संगत जी, जून का महीना मेरे लिए बहुत ही, संगत जी एक तरीके से ना उस महीने के अंदर मैं मरने वाला था। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं मरने वाला था संगत जी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। दुख मैं देख नहीं सकता था अपनी आंखों से। मन करता था कि अपनी आंखें ही फोड़ डालूं, अपने आप को ही, संगत जी मैं मतलब मार लूं अपने आप को, ऐसा मन मेरा करता था। क्योंकि परेशानियां लाइफ में बहुत थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी परेशानियां। एक प्रॉब्लम हटती थी, 10 प्रॉब्लम सामने आ जाती थी। क्या करता, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। घरवाली यानी कि मेरी आंटी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी। बच्चे आपको पता ही आजकल कैसे हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है घर में क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। उनको तो बस अपने शौक पूरे करने हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। संगत जी, आजकल के बच्चों को तो, आजकल के बच्चों से आप कोई उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो आपका साथ देंगे, या वो बुढ़ापे में आपकी लाठी बनेंगे, या वो आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। संगत जी, वो टाइम है ही नहीं है, ये वैसा टाइम ही नहीं है संगत जी। वो पहले का टाइम था, पहले के बच्चे होते थे वैसे माँ बाप की सेवा करने वाले। आजकल तो भूल जाओ, बस उनको पैसे चाहिए आपसे, चाहे मानो ना मानो। उनकी नजरें आपके पैसों पे है, आपकी प्रॉपर्टी पे है, आपके एसेट्स पे है। संगत जी, अब मैं ना गुरुजी का नाम लेके अपना ये स्टार्ट कर रहा हूँ सत्संग, आप सुनते जाओ हुआ क्या था। संगत जी, जून का महीना था, मतलब जून की स्टार्टिंग 1-2 तारीख थी। मेरी मम्मी को ना मेरे घर पे संगत जी एसी वेसी कुछ नहीं था। मैं एक गरीब आदमी, एक फटीचर आदमी, घर में रोटी बनती नहीं थी, भंडारे मैं संगत जी खाने वाला बंदा फ्री फंड के, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं। बिल्कुल फकीर था मैं, जिसको कह सकते हो आप भिखारी, भिखारी संगत जी मैं था। बिल्कुल अपना घर, सब कुछ अपना, दुकान अपनी, घर अपना, उसके बाद भी मेरी इज्जत एक भिखारी की तरह थी संगत जी। तो आप हिसाब लगा लो मैं क्या बंदा था। 1-2 तारीख थी संगत जी, 1 या 2 तारीख थी, मतलब स्टार्टिंग थी। अब जून जुलाई में बड़ी गर्मी होती है दिल्ली में, मई जून, अप्रैल मई जून, मतलब जुलाई में भी संगत जी बड़ी गर्मी होती है। मेरी मम्मी 70 ईयर्स की, 70 साल की, मेरी मम्मी को ना गर्मी लग गई संगत जी, मतलब गर्मी से ना उनको अटैक आ गया गर्मी का, जो होता है देखो ओल्ड एज में ना, मतलब संगत जी कोई भी जो बीमारी होती है वो जल्दी पकड़ लेती है, मतलब इंसान को ना जल्दी आ जाती बीमारी। तो मेरी मम्मी को गर्मी लग गई, घर में एसी वेसी था नहीं। संगत जी अपना आप मैं बता दूं आपको, देखो छुपाने वाली बात नहीं है कोई इसमें, मेरी आंटी मेरी मम्मी को, यानी कि मेरी जो घरवाली है ना, मेरी मम्मी को खाना नहीं देती थी। वजह ये थी कि दोनों की आपस में बनती नहीं थी। उस चक्कर में, क्योंकि मैं था मम्मी की तरफ, मैं तो अपनी माँ की तरफ ही रहूंगा ना संगत जी, जिन्होंने मेरे को जन्म दिया है, जो पाला पोसा बड़ा किया, क्या उसको छोड़ देता, नहीं ना संगत जी। तो उस चक्कर में मेरी घरवाली की मेरे साथ भी नहीं बनती थी। मेरा भी खाना संगत जी बाहर से आता था, कभी भंडारे ले आया, कभी दोस्त के घर से ले आया, कभी पड़ोस वाले घर से ले आया, कभी ब्रेड मतलब खा ली, कभी चाय बना के खा पी ली संगत जी ब्रेड के साथ। ये ऐसे मेरा चल रहा था गुजारा, ऐसे मेरा गुजारा चल रहा था संगत जी। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं कोई यहाँ झूठ बोलने नहीं आया संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ। झूठ बोल के मेरे को संगत जी नरकों में थोड़ी जाना है। झूठ बोलने वाले लोग ना नरकों में जाते हैं, नरकों में, तो मैंने वो काम थोड़ी करना है संगत जी। अब
क्या हुआ? मेरी मम्मी हो गई बीमार। डॉक्टर के पास मैं ले गया अपने दोस्त की मैंने गाड़ी दी, गाड़ी चलानी मुझे आती है। गाड़ी में बिठा के मम्मी को मैं ले गया हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहते देखो जी इनको एडमिट करना पड़ेगा, इनमें ना गर्मी लग गई है इनको, तो एडमिट होंगे, ग्लूकोज वगैरह चढ़ेगा, दवाइयाँ चढ़ेंगी, फिर ये जाके ठीक हो पाएंगे। 4-5 दिन एडमिट रहना पड़ेगा। संगत जी मैंने पूछा डॉक्टर साहब इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? कहते खर्चा, पहले वो मेरी शक्ल देखने लगे, कहते खर्चा। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब क्या खर्चा आ जाएगा इसमें, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। कहते पैसे नहीं तो जाओ घर, फिर मार दो अपनी माँ को, पैसे नहीं है तो। मैंने संगत जी मैंने डॉक्टर के पैर पकड़े, मैंने डॉक्टर साहब बताओ तो सही खर्चा कितना आ जाएगा एडमिट करने का? कहते आ ही जाएगा 30-40-50 हज़ार तो बन ही जाएगा बिल, 4-5 दिन में दवाइयाँ चढ़ेंगी, सब कुछ होगा, है ना, तो 40-50 हज़ार तो संगत जी आजकल हॉस्पिटल में लग ही जाते हैं पैसे इतने तो। मेरे पास जेब में 40 रुपए भी नहीं थे, 40-50 हज़ार कहाँ से लाता? संगत जी उस टाइम में जुड़ा था गुरु जी के साथ, किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के मैंने डॉक्टर से बोल बाल के ना थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके थोड़े हाथ पैर जोड़ के मम्मी को एडमिट तो करवा दिया था। मैंने डॉक्टर से ये कह दिया कि डॉक्टर साहब मैं पैसे जो है ना आप मुझे एक दिन का टाइम दे दो, मैं पैसे सारे इकट्ठे जमा कर दूंगा रिसेप्शन पे, आप मेरी मम्मी को इलाज तो करो, ठीक तो करो उनको। कहते ठीक है ले आइए पैसे, फिर हम तेरी मम्मी को एडमिट कर लेते हैं। ठीक है संगत जी, हॉस्पिटल से बाहर आया, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी पे ना मतलब काले रंग की गाड़ी थी, अंदर एक दो अंकल थे बाहर देख रहे थे मेरी तरफ, इशारा करके मुझे बुलाया, कहते इधर आना। मैं गया संगत जी, मेरे लिए तो वो अनजान लोग थे, मैं चला गया। कहते बड़े यार रो से रहे हो, बड़े परेशान से रह रहे हो, क्या दिक्कत हो गई है, सब ठीक है क्या? मैंने कहा जी देखो जी प्रॉब्लम तो बहुत है लाइफ में, दिक्कतें बहुत हैं, पर क्या करूं बहुत दुखी हूं। कहते गाड़ी में बैठो फिर। मैं कहूँ गाड़ी में बैठो, आप क्या बदमाश लोग हो क्या, मेरा किडनैप करने आए हो? कहते किडनैप करेंगे हम आपका, क्या बात कर रहे हो, किडनैप करेंगे हम आपको? हंस पड़े आगे से। कहते नहीं नहीं आप गाड़ी में बैठो, आपकी परेशानियों को खत्म करेंगे आज हम। मैंने कहा अच्छा जी, मैं गाड़ी में बैठ गया अनजान लोग के साथ। संगत जी आज मैं सोचता हूँ कि वो मैंने कैसे बैठ गया, मैं क्या मेरे दिमाग में आया होगा उस टाइम कि मैं बैठ गया ऐसे अनजान लोगों के साथ। वो मुझे गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी के बड़े मंदिर। मैं कहूँ गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, जाग आ रहे हैं सारे लोग। दो आगे अंकल बैठे हैं, पीछे बैठा हुआ बंदा साथ मुझे बिठा लिया, कौन लोग हैं ये? मैंने रास्ते में बोला कि उनको गाड़ी साइड पे लगाओ, मेरे को उतार दो, मुझे मेरी मम्मी एडमिट है, मेरे को पैसों का इंतजाम करना है, उतार दो मुझे यहाँ पे। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी, गाड़ी चलाते गए चलाते गए, बड़ा मंदिर आ गया गुरु जी। संगत जी गाड़ी में से ना उन्होंने मुझे उतार दिया, कहते यहाँ चले जाना, अंदर मंदिर बना हुआ है, यहाँ जो परेशानी है ना उनको बोलो जाके, वो सारी आपकी परेशानियों को खत्म कर देंगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहते हाँ जाके खुद देख लो। मैं गया अंदर, लाइन लगी हुई थी संगत जी बाहर टी पॉइंट से, लाइन शुरू होगी ना, उस टाइम ना कुछ था बड़े मंदिर में, कोई फंक्शन था या कोई सत्संग था, बड़ा सत्संग था, तो लाइन लगी हुई थी वहां पे बहुत ना संगत की, दूर दूर से संगत आई हुई थी। मैं गया संगत जी, अब हुआ क्या, मैंने अपनी चप्पलें उतारी, जोड़े उतारे, तो मैं ऐसी नीचे देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार मैं क्या करूँगा जाके अंदर, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, पता नहीं कौन सी जगह है ये, मैं कहाँ मुखर्जी नगर का रहने वाला बंदा, ये मुझे कहाँ ले आए हैं बेकार में। संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, नीचे देखा पैसे पड़े हुए थे, पैसे पड़े हुए नीचे 500-500 के नोट, इकट्ठे नोट थे, कम से कम लगा लो आप
50-60 नोट थे वो, 500 के इकट्ठे बंडल था बना हुआ था पूरा, 50-60 नोटों का ना इकट्ठा बंडल बना हुआ था। तो मैं देख रहा हूँ पैसों को, मैंने कहा किसके पैसे गिरे हैं ऐसे बेकार में बेचारे, किसी के पैसे गिर गए हैं, पता नहीं किसके गिरे होंगे। साथ में अंकल खड़े कहते गिरे उठा ले, मत सोच बेकार की चीजें, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, ऐसे बोल रहे हैं मुझे। मैंने कहा जी मेरे नहीं है पैसे। कहते नहीं है फिर भी उठा ले, ब्लेसिंग मिलेगी गुरुजी की तुझे, तुझे पैसे की जरूरत है ना। मैंने कहा हाँ जी पैसे की जरूरत है। उठा ना फिर, क्यों देख रहा है उनको, क्यों देख रहा है उस पैसे को, उठा जेब में रख, देखो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है और यहीं से वापसी हो जा। अभी अंदर भी नहीं गया, वहीं से वापसी हो जा, वो मुझे बोलते। मैं वहीं से वापस, वहीं वो गाड़ी खड़ी हुई थी संगत जी मेरे लिए, गाड़ी में बैठा। कहते हो गया ना काम? मैंने कहा हाँ काम हो गया। कहते कितने पैसे जरा गिन तो लो, कितने पैसे हैं? देखा 50,000 रुपये थे संगत जी, पूरे 50,000 रुपये। उन्होंने मुझे उसी हॉस्पिटल के बाहर उतारा जहाँ मेरी मम्मी एडमिट थे, पैसे जमा किए। डॉक्टर कहते 50 नहीं लगेंगे, 20,000 ही लगेंगे, क्योंकि ये सिर्फ दो दिन यहाँ रुकेंगी तेरी मम्मी, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी, तो 20,000 ही जमा करवा, बाकी नहीं जमा करवाने पैसे। संगत जी आप ब्लेसिंग देख लो गुरु जी की, गुरु जी की ब्लेसिंग देख लो आप, कृपा देख लो उनकी, ऐसे कृपा करते हैं संगत जी गुरु जी महाराज। ना जान ना पहचान, ना मैंने कभी माना गुरु जी को, ना कभी गया था गुरु जी के बड़े मंदिर में, फिर भी इतनी कृपा, फिर भी इतनी ब्लेसिंग। तो फिर तो संगत जी कुछ भी हो सकता है ना, गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर में बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते वहां तक का। तो हम लोग नहीं सोच सकते वहां तक की चीजें जो गुरु जी सोचते हैं हमारे लिए। तो ये मेरा सत्संग था आज का। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। तो ये था आज का शनिवार का चमत्कारी सत्संग, स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आप तो बिल्कुल भी आजकल कमेंट ही नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो कि सत्संग अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी बताया तो करो, ये तो मैं जानता हूँ कि सत्संग तो सारे अच्छे ही होते हैं, गुरु जी का सत्संग है तो अच्छा तो होगा ही ना। पर संगत जी कम से कम आपको बताना तो चाहिए, आप पूरा सत्संग भी नहीं सुनते हो, बीच में ऐसे ही चले जाते हो संगत जी, ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से बैठ के अपने अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से और कोई नोएडा से, आधे आधे घंटे के, पौना पौना घंटे के सत्संग अपना शेयर करती है गुरु जी की प्यारी संगत। और आप संगत जी बता के भी नहीं जाते हो कि हमें सत्संग अच्छा लगा। संगत जी कोई पैसा थोड़ी लगना है आपका कॉमेंट करने में, बिल्कुल फ्री होता है संगत जी कॉमेंट करना। तो सामने बटन आ रहा है, कमेंट का ऑप्शन सामने आ रहा है, बल्कि एक नहीं आपको तो दो दो कमेंट करने चाहिए। अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे कि हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा, तो संगत जी आपका क्या चला जाएगा, क्या चला जाएगा संगत जी? उस बेचारी संगत के चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी जिन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है, उनको अच्छा लगेगा कि चलो कोई तो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मुझे, कोई तो मुझे बता रहा है ना। संगत जी ऐसे मत किया करो, उस बेचारी संगत के बारे में सोचा करो जो इतनी देर देर तक बेचारे बोलते रहते हैं, गुरु जी का सत्संग शेयर करते रहते हैं और आपके लिए शेयर करते हैं ताकि आपको सुन के ब्लेसिंग मिले। वो तो बेचारे शेयर करके चले जाते हैं अपना सत्संग। संगत जी फर्ज तो आपका बनता है ना कि कमेंट करना। अगर आप चलो आप अच्छा बुरा ना लिखो, कम से कम आप जय गुरुजी तो लिख ही सकते हो, या उसमें भी आपका पैसा लग रहा है।
कोई पैसा नहीं लगता संगत जी, मैं आपका पैसा लगने थोड़ी ना दूंगा। संगत जी एक रुपया भी आपका नहीं लगेगा, प्लीज आप कमेंट किया करो और जरूर किया करो। जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना संगत जी, क्योंकि देखो ये सत्संग है स्पेशल। अगर आप थोड़े से भी सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ, और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी सभी आजकल परेशान चल रहे हैं, अपने घर की रोजी रोटी तो पूरी होती नहीं है, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब में भी तो कुछ होना चाहिए, तभी तो आपका मन करेगा किसी को देने का। यहाँ अपनी जेब तो खाली पड़ी हुई है, तो हम लोगों को देने का कैसे सोच सकते हैं। संगत जी ये तो वही बात हुई, अपने बच्चे घर में भूखे बैठे हैं बेचारे, और हम बाहर जाके सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं, मंदिरों में भंडारे कर रहे हैं, उसका क्या फायदा। संगत जी ये बात तो गुरुजी भी कहते हैं, पहले आप अपने घर को देखो। संगत जी माँ बाप की हम सेवा नहीं करते, माँ बाप को पूछते नहीं है, मंदिरों में जाके घंटियां बजाने का क्या फायदा। अपने घर जो भगवान बैठे हैं, हमारे भगवान तो हमारे मम्मी पापा ही है ना, जिन्होंने हमें ये जन्म दिया, ये लाइफ दिया हमें, हमारे लिए तो वही भगवान है ना सबसे पहले। संगत जी बाकी देखो वैसे तो भगवान है, पर सबसे पहले भगवान जिन्होंने हमें लाइफ दे दी है वाली, पाल पोस के बड़ा किया, हमारी परेशानियों को अपनी अपने ऊपर लिया। संगत जी अपने पेट काट काट के हमें खिलाए, रोटियां हमें खिलाई, बचपन से लेकर पढ़ाया लिखाया, पैसा लगाया। संगत जी अगर हम उन माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तो बाहर जाके अनजान लोगों को हम भंडारे खिला रहे हैं, मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है। संगत जी अच्छी बात थोड़ी है, पहले आप अपने घर को देखो, पहले अपना घर तो पूरा कर लो। अपना घर देख नहीं रहे और बाहर जाके हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है संगत जी। और आप आजकल देखो लोग बेचारे इतनी पैसों की जरूरत है लोगों को, लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए, दिन रात सर्दी गर्मी आंधी तूफान बारिश सारा दिन काम लगे रहते हैं, है ना, सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं काम में, और जब रात को थक टूट के वापस आते हैं काम करके, जेब खाली की खाली होती है। संगत जी
जेब खाली की खाली होती है, ऐसे पैसों का क्या फायदा कि सारा दिन काम करने के बाद भी आपको पैसे ना मिले, आपका घर ही ना चल सके उससे। इन पैसों का भी क्या फायदा संगत जी, क्या फायदा। और आजकल देखो पैसों के बिना गुजारा भी नहीं है। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों रुपए लगा देते हैं पढ़ाइयों पे, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख। नौकरी मिलती नहीं बाद में, नौकरी 10,000 की नहीं मिलती संगत जी। 15 लाख लगाने के बाद 10,000 की नौकरी नहीं मिलती, तो है कोई फायदा पढ़ाई का? आप ही बता दो ना। जो आजकल इतने अच्छे अच्छे कोर्स जो निकाले हुए हैं जो गवर्नमेंट ने, या जो भी मतलब कि ये पढ़ाई करें बच्चे, ऐसे करें वैसे करें, पढ़ाइयां करने के बाद अगर नौकरी ना मिले तो ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा संगत जी। मैं तो नहीं कहता फिर कि आप पढ़ाई करो लाखों रुपए लगा के, है ना। तो बहुत बुरा हाल है संगत जी, बहुत बुरा हाल है। और आगे आने वाले टाइम में तो और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पता है क्या, आजकल देखो हम आज के हिसाब से अपना घर नहीं पूरा कर पा रहे, रोजी रोटी नहीं चला पा रहे, बच्चों को नहीं पाल पा रहे, तो आगे जाके क्या होगा जब महंगाई बढ़ जाएगी? महंगाई तो बढ़नी है ना संगत जी, टाइम के साथ साथ चीजें तो बढ़ेंगी ना, कम थोड़ी ना होंगी। परिवार बढ़ेगा, अभी आप 4 लोग हो घर के, हमेशा 4 थोड़ी ना रहोगे 5 साल बाद भी, 4 से 5 हो गए, 6 हो गए, बच्चों की शादियां करोगे, परिवार तो बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे, टाइम के साथ साथ सारी चीजें बढ़ती हैं, पर इनकम नहीं बढ़ती संगत जी, इनकम नहीं बढ़ती बंदे की। मेहनत उतनी करता है बंदा 5 साल बाद, बल्कि ज्यादा मेहनत करोगे फिर भी इतने पैसे नहीं मिलने वाले। तो बहुत मुश्किल है संगत जी, बहुत मुश्किल है। और आजकल के टाइम में ना आप किसी के भी घर में जाके देख लो, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी पे सामान बेचने वाला है, झुग्गी वाला है, चाहे कोई भी है संगत जी, आप जाके देख लेना उसके घर पे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आजकल पैसों की दिक्कत हर घर में चल रही है, हर घर में। वो बात अलग है, गरीब आदमी को बेचारे को 1,000 रुपए की जरूरत है, उसको 1,000 ही चाहिए अपना घर चलाने के लिए, सब्जी रोटियां लेने के लिए उसको 1,000 रुपए चाहिए, वो ही उसको नहीं मिल रहे, वो उसके लिए परेशान हो रहा है। वहीं एक अमीर आदमी, एक बिजनेसमैन, उसको 5 लाख की जरूरत है, वो 5 लाख के लिए परेशान है। संगत जी पैसे सबको चाहिए, चाहे अमीर हो गरीब हो, पैसों के बिना गुजारा नहीं है, वैल्यू नहीं है बंदे की पैसों के बिना। आप आज, आपके पास अगर 4 लोग बैठे हैं ना, आपके पास पैसा है इसलिए बैठे हैं लोग आपके पास, रिश्तेदारी अगर है ना आपकी तो पैसे की वजह से है, दोस्ती यारी है पैसे की वजह से है। पैसा ना हो तो कोई पूछता भी नहीं है आजकल संगत जी, देखता भी नहीं है। आप खुद ही देख लो ना, अगर आपके पास संगत जी, आपके घर के बाहर से अगर कोई रिक्शे वाला जाए, कोई भी जाए रिक्शे वाला, एक गरीब आदमी जाए, तो आप क्या उसको पूछोगे? आप उसको बोलोगे कि भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, तूने रोटी खाई है, खाना खाया है? नहीं खाया तो आजा मेरे घर में, मैं तेरे को रोटी पानी खिला देता हूँ, ये ले पैसे और बता। आप ऐसे बोलोगे उसको? गरीब आदमी है, पूछता नहीं है कोई। वही कोई अमीर आदमी जाए, कोई देश का बड़ा अरबपति आदमी निकले घर के बाहर से गाड़ी पे, तो लोग पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, एक फोटो खिंचवाने के लिए, बात करने के लिए, हेलो हाय करने के लिए, क्योंकि वो अमीर है, उसका नाम है, उसके पास पैसे हैं, उसके पास पावर है, इसलिए संगत जी। तो पैसों के बिना तो गुजारा है ही नहीं है। अगर आपको आज की डेट में 2 रोटी भी खानी है ना, तो उसके लिए पहले पैसे लगेंगे, तब आपको रोटी मिलेगी संगत जी। बिना पैसों के कोई रोटी भी नहीं देने वाला। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर को बोल दो मेरे पास डॉक्टर साहब पैसे नहीं है, मेरा इलाज कर दो, डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेगा, आपको दवाई नहीं देगा डॉक्टर संगत जी, फ्री फंड में। फ्री फंड में तो कुछ भी नहीं होता आजकल। क्या उसने पढ़ाई जो डॉक्टर ने करी है, इतने पैसे लगा के पढ़ाइयां लिखाइयां जो करी हैं, क्या फ्री फंड के इलाज के लिए करी हैं? पैसे कमाने के लिए करी है ना,
कि मैं और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, पैसे आएंगे, नाम बढ़ेगा, अमीर बनूंगा। इसलिए करी है ना पढ़ाई, इतने पैसे लगाए हैं पहले कि फ्री में इलाज करूंगा मैं, तो फ्री में भलाई करूंगा लोगों की, तो उसे क्या मिलेगा, वो रोटी कहाँ से खाएगा? आप तो फ्री में इलाज करवा के आ जाओगे तो वो रोटी कहाँ से खाएगा? भंडारों से। संगत जी बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है संगत जी, पैसों के बिना नहीं है गुजारा। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने, बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरु जी से। ध्यान से सुनना आप सब, मैं गुरु जी को कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरु जी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते आपसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ। देखो संगत जी, लाइक शेयर करने के लिए तो मैंने आपको बोल दिया कि आप करते नहीं हो, आप भी मानते हो कि हम लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं सत्संग को, है ना संगत जी। मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है सब्सक्राइब करना। क्यों नहीं करा हुआ संगत जी सब्सक्राइब? वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सब्सक्राइब आपने करा नहीं हुआ, बाद में फिर आप लोग ही बोलते हो कब सत्संग आया कब नहीं आया, हमें तो पता ही नहीं चला। कब दर्शन हुए कब नहीं हुए हमें तो पता ही नहीं चला। हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग नहीं मिलती, हमारी तो गुरु जी सुनते ही नहीं है। संगत जी बाद में बातें करनी बड़ी आसान है, बहुत आसान है बातें करना, पर संगत जी उसका क्या फायदा? सब्सक्राइब ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? आपको सपना थोड़ी आएगा कि गुरु जी का सत्संग आ रहा है इस चैनल पे और आपने सुनना है, गुरुजी का मैसेज आया आपने सुनना है, कोई सपना थोड़ी आएगा संगत जी। तो फिर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं है, आप तो बल्कि अपनी ब्लेसिंग किसी और को दे रहे हो कि ले तू ले ले मेरी ब्लेसिंग, मुझे नहीं चाहिए। यही काम कर रहे हो संगत जी आप। अभी भी टाइम है, मेरी बात को मानो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बिल्कुल फ्री है संगत जी। अगर आप एक फ्री चीज का फायदा भी नहीं उठा रहे तो क्या ये अच्छी बात है? आप फायदा उठा ही नहीं पा रहे हो। आपको पता है आपके एक सब्सक्राइब करने से कितना आपको फायदा होने वाला है? आपको पता है? बताऊं आपको संगत जी, एक सब्सक्राइब का बटन दबाने से ना आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। आपके फोन पे अपने आप जब भी गुरु जी का सत्संग आएगा ना इस चैनल पे, आपके फोन के ऊपर आपको नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज आएगा कि भाई सत्संग आ गया, गुरु जी का नया सत्संग सुन लो।
संगत जी, जब भी गुरु जी के दर्शन होंगे आपको पता चल जाएगा कि भाई गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, दर्शन कर लो। गुरु जी का मैसेज आया है, मैसेज पढ़ लो। बड़े मंदिर से लाइव है गुरु जी, देख लो, जुड़ जाओ। संगत जी, कितनी अच्छी बात है। और अगर आप इस एक फ्री चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे तो इसमें संगत जी फिर आप ही की गलती है ना। फिर मैं तो आप सबको बोल बोल के थक चुका हूँ। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, पर आप सुनते ही नहीं हो बिल्कुल भी। पता नहीं क्या आपके दिमाग में चलता रहता है, पता नहीं क्या आप लोग सोचते रहते हो। संगत जी, बेकार की चीजें ज्यादा मत सोचा करो, मत सोचा करो। संगत जी, जो होना है वो तो होना ही है, बल्कि गुरु जी के साथ जुड़ो। सत्संग, हर एक सत्संग, जो भी सत्संग इस चैनल के ऊपर आता है ना, नियम बना लो, हमने तो वो सत्संग सुनना ही सुनना है और पूरा सुनना है। टाइम निकालो ना संगत जी। अगर आप पूरे दिन में से, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर आप 10-15 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने प्यारे गुरु जी महाराज के लिए, तो फिर आप क्या हो? आप संगत थोड़ी हो फिर गुरु जी की? फिर आप संगत नहीं कहलाते गुरु जी की, फिर तो आप ऐसे आम नॉर्मल लोग हो। क्योंकि आपके पास अपने गुरु जी के लिए ही टाइम नहीं है, तो संगत जी, इन्होंने आपको सब कुछ दिया है, लिया थोड़ी है कुछ आपसे, आपको दिया ही है सब कुछ, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करोगे लाइफ में? संगत जी, क्या करोगे आप लाइफ के अंदर? बहुत गलत बात है, ऐसा मत करो। अभी भी समय है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और सबसे ज्यादा जरूरी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, कर डालो। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी। संगत जी।